Hi guys, how are you? Are you fine? And I'm not fine. So now start this video. ये वीडियो में लेकर आई हूँ तीन चार टॉपिक्स पर. So now start this video. पहले हम अपने यूट्यूब पे आए कि मेरे दोस्त हैं अमन, जिनका नाम अमन है. So उन्होंने मुझे बताया है कि वो कोई भी न्यू चैनल बना रहे हैं, तो वो रिमूव हो रहा है, उनका चैनल चल नहीं पा रहा. तो आपको बस ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा इशू है वो भी यूट्यूब में. तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको जो वीडियो अपना चैनल जो बनाना है ना, वो इससे नहीं बनाना. जैसे कई बार हम जीमेल से बना देते हैं, तो ये जीमेल ना यूज़ करके, आप यहाँ पर ना क्रिएट करके, यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ अपना क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऐड अकाउंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक कर लेना है. यहाँ आप को देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ से आपको क्रिएट करना है, अपना ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, और बाकी तो आपको पता है साइन इन कैसे करते हैं. यहाँ पर से नेक्स्ट कर देना, आपका यूट्यूब चैनल यूँ बन जाएगा और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ना ही वो रिमूव होगा. सेकंड ये है, एक मेरे फ्रेंड ने पूछा है कि मैं वीडियोज़ कैसे क्रिएट करती हूँ. मैं वीडियोज़ कैपकट से क्रिएटेड करती हूँ. यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अपनी एक वीडियो सिलेक्ट करके रख रखी थी, यहाँ मैंने ले ली है. यहाँ पर मैंने एक वीडियो ले ली है, ठीक है. यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले हम यहाँ ऑडियो पे जाएंगे. देखिए यहाँ बहुत सारे साउंड्स, कॉपीराइट इफेक्ट, एक्सट्रेटेड और रिकॉर्ड. साउंड्स जो होते हैं वो इससे ही ले जाते हैं. एंड यहाँ से ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ बहुत सारी वीडियोस है, तो इनमें से कोई सी भी एक का साउंड आप ले सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ ये वाले ले लिया, और यहाँ देखना, यहाँ ये साउंड चल चुका है. इसके बाद आपको जहाँ भी इसका एंड हो रहा है, यानी जो भी आपको इंटरनेट, जैसे ये यहाँ सो का यहाँ आया है, यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देना. फिर आपको जिसे भी विन करना है उसे विन कर लेना. से मैं बस थोड़ा उसके लिए दिखा रही हूँ कि मुझे सर में दर्द है, एंड मैं आगे नहीं बताना चाहती और यहाँ भी क्या है क्या नहीं. सो यहाँ देखिए, यहाँ आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना. जैसे अभी मैंने यहाँ ये ले लिया, ठीक है, जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पर आपकी वो है. फिर आपको यहाँ ओवरले पे आ जाना है. ओवरले के बाद आने के बाद आपको यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट पिक्स अलाउ कर लेनी है. जैसे यहाँ मैंने अलाउ कर ली है एक, और फिर दूसरा दूसरा ले लेना है, ठीक है. आपको जितना भी वो रखना है रख लेना. मैं बस थोड़ा उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा मत करना, ठीक है. यहाँ ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है. यहाँ आप चाहे देख सकते हैं, ठीक है. इसके बाद आपको यहाँ मोशंस पे आ जाना है, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है एनिमेशन पे आके. बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती कि नॉट इंटरनेट आ रहा है. बट मेरा इंटरनेट ओपन है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ मेरा कोई VPN है. मैंने एक और वीडियो बनाई, चाहे आपको इसमें ना समझ में आए तो दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस पर, ठीक है. यहाँ आपको कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है,
उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। देखिए मेरा यहाँ कनेक्ट हो गया है, पर अगर मैंने अब करा तब भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको फिर से ये हटा के चलाना पड़ेगा। मैं फिर से आ गई हूँ, मैं उसी वीडियो पे दिखाऊंगी। यहाँ फिर से वही वीडियो मैंने ओपन कर ली है। यहाँ ओवरऑल पे आ जाने के बाद यहाँ पर अब जब आप यहाँ एनिमेशन पे खोलेंगे तो यहाँ इन आता है, आउट आता है और कॉम्बो आता है। तो आपको कॉम्बो पे क्लिप करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ ये चल जाएगा लेफ्ट एंड राइट मोड के यहाँ पर ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं। और यहाँ जो भी विन है आप उसमें भी लगा सकते हैं। देखिए अब जब मैं आपको थोड़ा शुरू से दिखाऊंगी तो ऐसे इसका ये रिजल्ट आएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे मैं वीडियोस क्रिएटेड करती हूँ, एंड आपको इसमें ना समझ में आए तो आप दूसरी वीडियो में भी देख सकते हो कि ऐसी एक और मैंने बनाई है, तो देख सकते हो आप, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। एंड गाइस मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, मतलब कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि वीडियो लेट क्यों आती है, क्या रीज़न है। तो वीडियोस लेट आती है, मैं मानती हूँ कि वीडियोस लेट आती है, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बट वीडियोस लेट आने का ये कारण है कि मैं हर टाइम फ्री नहीं रहती हूँ, मैं पूरे दिन फ्री नहीं रहती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है, आप बहुत ज़्यादा वो रहता है, इसलिए मैं वीडियोस लेट आती है, क्योंकि बहुत काम रहता है पूरे दिन में। फ़िलहाल अभी तो मैं घर पे ही हूँ, बट फिर भी घर पे तो काम है ही। सो एंड एक और बात गाइस, मैं किसी को भी मतलब के लिए दोस्त नहीं बनाती हूँ, मैं अगर दोस्त बनाती हूँ तो अपने दिल से बनाती हूँ, ठीक है। किसी ने मुझसे कहा दिया था कि मैं तो तुम्हारे नाम का दोस्त हूँ, तो मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि मैंने आज तक किसी को भी अपना मतलब का दोस्त नहीं बनाया है, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि वीडियो में अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं हेल्प ज़रूर करूँगी, चाहे वो मुझसे हो या ना हो, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।